न्यू हॉस्पिटल के अंदर जो है, इसकी जगह जहाँ पर हम आए हैं, ये इसको छज्जू का चुबारा कहते हैं। ये हम बताते हैं भी आपको कि इसकी क्या तारीखी अहमियत है। ये है जी वो छज्जू का चुबारा, और ये कितने सौ साल पुराना है? और तो शाहजहां का बनता है, शाहजहां का दौर बनता है, लेकिन उसके बाद रंजीत सिंह के दौर में काफी बड़ी सी जगह थी। अच्छा, ये अस्पताल के अंदर है? आप ये नहीं कहिए, ये आपने जिस तरह बाहर देखा ये अस्पताल था, अस्पताल है कैंसर का, न्यू हॉस्पिटल के अहाते भी समझ लें आप एक तरह से, उसके अंदर फिर ये छज्जू का, यानी कि ये इस चुबारे के इर्द गिर्द जो है वो हॉस्पिटल बन चुके हैं अब। यानी ये जो औकाफ के अंदर, यानी एक तरह से नहीं, हॉस्पिटल जो है, ये जो हॉस्पिटल की जगह है, ये हॉस्पिटल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदू एक तो ताजिर था सोने का, लेकिन फिर वो दुनिया से त्याग दी और साधु बन गया, और ये उसका चुबारा है जिसको छज्जू का चुबारा कहते हैं, और रंजीत सिंह का बहुत ये मानने वाला था। तो आपने इसका स्ट्रक्चर देखा बिल्डिंग का, अंदर से भी जैसे आप देख रहे हैं वो पुरानी बिल्कुल छत इसकी देखें, इसको देख के वो जिस तरह शाही किले की छत का काम हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये लग रहा है। तो अच्छी छोटी सी एक जगह है जो कि अभी तक अपनी असल हालत में जो है वो मौजूद है। तो ये जनाब कम से कम 400 साल पुरानी ये एक तरह से ये चुबारा है, बड़ा मशहूर लाहौर में, इसका किसी को पता ही नहीं था, बल्कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो हॉस्पिटल वालों को भी बड़ी हैरानी हुई कि आपको इसका किसने बताया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इसके इर्द गिर्द जो है वो न्यू हॉस्पिटल है, और ये वाली जो जगह है ये कैंसर हॉस्पिटल है जो एक चैरिटेबल सोसाइटी चला रही है, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मंटो साहब की बेटी जो है वो शामिल है। ये हमें मज़ीद यहाँ से ये बात पता चली, 150 मरीज हैं इस हॉस्पिटल में, और बहरहाल ये एक छोटी सी लाहौर की तारीखी जगह जो अगर आपको मौका मिले तो न्यू हॉस्पिटल के अंदर जैसे मैंने बाहर से आपको दिखाया आके देखी जा सकती है।